आज मैं यूसर के स्टूडियो में डॉक्टर मनोज कुमार पन साहब का बहुत स्वागत करता हूं एंड वो एडिशनल सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में और विशेषज्ञ हैं एसडीजी के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 और जो पूरे यूएन और पूरे ग्लोबल दुनिया में और जिससे हम पूरे के पूरे सभी लोग बधे हैं उसको वो देखते हैं और विशेषज्ञ हैं और आपकी विशेषज्ञता के बारे में कौन नहीं जानता है। डॉक्टर पंत आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ा है और इसमें जो सस्टेनेबल गोल्स हैं इसको प्राप्त करने के लिए आपने लगातार स्ट्रैटेजीज बनाई है, प्लानिंग किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आप इसके बारे में, सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बताइएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विशेष रूप से यूसर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे मौका दिया आज इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसकी आपने बात करी उसको आम लोगों तक पहुँचा सकें। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा यूजफुल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट कोई नई बात नहीं है। ये जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से हम विकास की बात करते आए हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया रही है, और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कहते हैं तो विकास में हम सस्टेनेबिलिटी की बात को कह देते हैं कि भाई विकास ऐसा हो जो संवहनीय विकास हो, जो सतत विकास हो। वो ऐसा विकास ना हो कि हमने कोई चीज़ करी और उसके बाद उसका वो आगे सस्टेन नहीं हो पाया और फॉर द टाइम बीइंग ही वो एडहॉक, यानी कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यूटी उसकी रहे, सस्टेनेबिलिटी उसकी बनी रहे। तो SDGs में यही कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN का एजेंडा है, पूरी दुनिया के 196 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है, और इससे पहले जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चला करते थे जो 2000 में जो शुरू हुए थे, 2000 से 2015 तक 15 साल का एजेंडा था, और ये भी 15 ईयर एजेंडा है जो UN का जो 2030 तक चलेगा। 2015-16 से ये शुरू हुआ था, इंडिया ने भी इसको सितंबर 2016 में इसको अडॉप्ट किया, और उसके बाद से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, भारत की जितनी भी राज्य सरकारें हैं पूरे देश की, उन्होंने सब ने इसको अडॉप्ट किया, और उसी परिप्रेक्ष्य में एक 15 वर्षीय एक एजेंडा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया कि आप किस तरीके का विजन होगा पर्टिकुलर राज्य का, लोकल लेवल पर हम किस तरीके से SDGs को आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे हम अपने इस डेवलपमेंट का जो हमारा एजेंडा रहा है शुरू से, जैसा मैंने बताया कि आज का विषय नहीं है, इसको कैसे हम संवहनीय बना पाएंगे, कैसे कंटिन्यूटी बना पाएंगे उसमें। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा इस SDGs के अंदर है। तो अगर हम UN की बात कहते हैं तो ये 1972 में जब स्टॉकहोम में पहला कॉन्फ्रेंस इसका हुआ था तब भी ये बातें, सतत विकास की बातें हुई थी, और जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम सस्टेनेबिलिटी की जब कभी भी बात करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि जनरली हम जब डेवलपमेंट कहते हैं तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं और कभी कभी हम सोशल डेवलपमेंट भी, जो हेल्थ के इश्यूज हैं, आपके एजुकेशन के इश्यूज हैं, इन सबको भी देखते हैं, परंतु एनवायरमेंटल को हम भूल जाते हैं, इकोलॉजी को हम भूल जाते हैं। तो ये 1972 में स्टॉकहोम में जब चर्चाएं हुई थी इसमें UN लेवल पर, तो ये बिंदु आया था। फिर आपको याद होगा 1990 की जो अर्थ समिट थी, रियो कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये सारे इश्यूज जो है इकोलॉजी और इकोलॉजी और इकोलॉजी के सारे इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज आने शुरू हो गए थे। तो रियो कॉन्फ्रेंस हो गई, कैपनगर कॉन्फ्रेंस हो गई, पेरिस हो गए, लगातार ये मुद्दे चलते रहे। तो फिर 2000 जब हम एमडीजीज पूरा नहीं कर पाए, अच्छा एमडीजीज केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए थे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एमडीजीज नहीं थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 तक था। तो परंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब कंट्रीज के लिए, इसमें है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की जब बात आती है तो स्वाभाविक है कि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल इकोलॉजी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए इसमें लिया गया, हो सकता है गरीबी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, हेल्थ के इश्यूज उनके लिए बहुत बड़े मुद्दे ना हो, हंगर उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा ना हो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, परंतु इकोलॉजी और एनवायरमेंट उनके लिए बहुत मुद्दा है,
जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वही उन्हीं कंट्रीज की बातें करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, एडवांस कंट्री की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की बात को कहा जाता है। तो इसलिए ये रखा गया यूएन में कि साहब ये सारी कंट्रीज इसमें आएंगे और इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। तो तीन पिलर इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो तीन पिलर पे ये पूरा एसडीजीज का पूरा फ्रेम किया गया और 17 गोल्स, 17 इसके जो मेजर गोल हैं वो 17 गोल हैं। जबकि इससे पहले जो एमडीजीज थे, जो डेवलपिंग और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 2000 से 2015 तक, उसमें केवल 8 गोल हुआ करते थे। अच्छा जी। तो यहाँ पे पॉवर्टी, एक उसमें पॉवर्टी एरेडिकेशन एक मेजर उसका आउटकम होता था कि हमें पॉवर्टी एरेडिकेशन करना है, वो एक मेजर आउटकम था, वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी आदमी पीछे ना रह जाए। दिस इज द मेजर 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 ऑब्जेक्टिव एंड मेजर आउटकम। वहां पॉवर्टी है, वहां पॉवर्टी, उसने कहा नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, नो वन इज लेफ्ट, किसी भी सेंस, किसी भी सेंस में, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में हो, चाहे वो सोशल सेंस में हो, इवन चाहे वो एनवायरमेंटल सेंस। यूनिफॉर्मिटी है, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है, और बहुत सुंदर, और यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सिटी है, सबके लिए ये बातें कही गई है। तो ये एक अहम चीज एसडीजीज के अंदर आई है। तो बड़ा, और अगर आपको ध्यान होगा एमडीजीज पे हम बहुत जिक्र नहीं करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपने देखा होगा कभी हम इस तरीके से स्टूडियो में बैठ करके नहीं करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में बात नहीं करते थे, वो बड़ा टॉप डाउन अप्रोच होता था। और तो और उसको हम इसीलिए हम उसमें सक्सेस भी नहीं हो पाए। अगर आप देखेंगे इंडिया को ही ले लें तो हम लोग उसको जो टारगेट्स थे हमारे उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए, कोई कंट्री नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत कुछ सोशल टारगेट्स जो है बांग्लादेश ने पूरे किए, उनके वहाँ सोशल सेक्टर स्पेशली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने कुछ टारगेट्स पूरे किए। लेकिन जब ये देखा गया कि साहब ये टारगेट्स भी पूरे नहीं हुए, अप्रोच भी टॉप डाउन अप्रोच रहा, तो यहाँ पे अप्रोच को थोड़ा बदला गया कि वाई नॉट लोकलाइज दी एसडीजीज, एसडीजीज को लोकल लेवल पर क्यों ना किया जाए। तो अच्छा, पूरी अप्रोच शिफ्ट हो गई, अप्रोच शिफ्ट हो गई। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकलाइज, इट मींस स्टेट लेवल, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल, और इवन तो ग्राम पंचायत लेवल। अच्छा, जो एटॉमिक यूनिट है वो ग्राम सभा, ग्राम सभा हुई अल्टीमेटली। देखिए डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है, खास तो हम उस जो मैंने पहले बताया नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल। तो नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड मीन्स जो लास्ट जो हमारा डिप्राइव्ड व्यक्ति है, गाँव में रह रहा है, किसी छोटे अर्बन एरिया में रह रहा है, स्लम में रह रहा है, वो भी पीछे ना रह पाए। तो इसलिए इसकी जो लास्ट यूनिट दी गई वो ग्राम पंचायत और इवन वार्ड लेवल का नगर पंचायतों को भी इसमें दिया गया। लास्ट मैन ग्रास रूट, बिल्कुल, ये हमारा मेनली इसका लोकलाइजिंग एसडीजी, तो एसडीजी को लोकलाइज्ड लेवल पे हमने बात, और बॉटम अप हो गया, बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच इसमें लिया गया। बहुत सुंदर। तो ये 17 गोल्स इसमें पूरे के पूरे हैं, और इन 17 गोल्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें गोल नंबर 1 जो है वो पॉवर्टी के इशू को एड्रेस करता है, जहाँ पे कहा है कि साहब हम पॉवर्टी को पूरा एरिडिकेट कर देंगे 2030 तक। वैसे सेकंड वाला जो गोल है वो नो हंगर की बात कहता है, वो कहता है कि किसी आदमी को भूखा नहीं रहना, और भूखा ही नहीं, वो मैलन्यूट्रिशन के और उसको भी एड्रेस करता है, और जितने भी आपके नरिशमेंट अंडर नरिश जो लोग हैं उनको भी एड्रेस करता है कि साहब केवल भूखे रहने की बात ही नहीं है, आपको अपना जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक। चाहे वो बच्चे हों, हमारे 5 साल से नीचे के बच्चे हों, चाहे वो प्रेगनेंट लेवर महिलाएं हों, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर्स हों, तो उन सबको भी आपने न्यूट्रिशन के इश्यूज को भी इसने नंबर 2 पे एड्रेस किया। और नंबर 3 हेल्थ का इशू है, तो वो पूरा का पूरा है, वो कहता है कि वेलनेस एंड हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है कि इसमें आप हेल्थ के इस पूरे सेक्टर को वेलनेस की बात करेंगे, ये नहीं कि आप बीमार पड़ जाए उसके बाद इलाज कर रहे, ऐसा नहीं, अवेयरनेस की बात उसमें करेंगे। तो हेल्थ के इश्यूज नंबर 3 गोल पे इसमें रखे गए, जैसे पूरी ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हो, बिल्कुल वेलनेस की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर गोल चौथा जो है वो एजुकेशन की बात है, तो अफोर्डेबल एजुकेशन, एजुकेशन को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल की बात कही गई, कि क्वालिटी हो और अफोर्डेबल भी हो, आदमी उस पर अफोर्ड कर सके, अदरवाइज वो ऐसा ना हो कि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए, तो ये भी देखने की बात है, इनइक्वालिटी हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन जो है वो आया हुआ है, इसी वजह से उसका कहीं ना कहीं इसमें आप गोल नंबर 4 कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करता है। और गोल नंबर 5 जेंडर का है, तो ये बड़ा इशू है, स्पेशली इसमें इस एसडीजीज में जेंडर को बड़ा फोकस किया है, चाहे वो सेक्स रेशियो की बात हो, चाहे वो आपकी एब्यूजिंग की बात हो, चाहे चाइल्ड एब्यूज हो,
गर्ल्स के अब्यूजिंग की बात हो तो वो सब इस 5 नंबर पे, इक्विटी इसी से, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात हो तो वो सब इसको 5 नंबर के बोर्ड पे इसमें रखा गया। इवन उनके राइट्स की, उनके एसेट्स की, उनके उनकी प्रॉपर्टीज की बातें भी हों तो उसको भी उसमें एड्रेस करने की बात कही। जेंडर, जेंडर गोल नंबर 5 इज जेंडर। और गोल नंबर 6 जो है वो आपका वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। और सैनिटेशन और वाटर, आप जानते हैं वाटर एक बहुत बड़ा इशू शुरू से रहा है और आने वाले समय में तो और बहुत मुश्किल है। तो और सैनिटेशन, आपने जैसे हमारे भारत में पिछले 5-6 साल से आपने देखा है स्वच्छ भारत मिशन जो चला है, तो ये एक पूरा का पूरा एक इशू, इस 6 नंबर का जो गोल है गोल नंबर 6, वो वाटर एंड सैनिटेशन को आपको पूरा का पूरा एड्रेस करता है। और गोल नंबर 7 जो है वो आपका पावर को, रिन्यूएबल एनर्जी को, अफोर्डेबल पावर की बात करता है। वो ये कहता है कि साहब आप ग्रीन एनर्जी की बात करता है कि आप कम अधिक से अधिक ग्रीन एनर्जी को यूज करें, उसको जनरेट करें, उसको प्रोड्यूस करें। और वो गोल नंबर, अच्छा फिर से कनेक्ट हो गया वही एनवायरनमेंट में इश्यू हो गया। बिल्कुल। तो गोल नंबर 7 वहां पे बात एनर्जी आ गई और ग्रीन एनर्जी की बात करता है। और गोल नंबर 8 यहां पे इनइक्वालिटी की बात करता है। तो वो ये कहता है कि साहब इनइक्वालिटी को आप एड्रेस करें। तो यहां पे ग्रोथ जो होती है आपकी, जैसे अगर हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो एक इनइक्वालिटी आपको यहां भी नजर आ सकती है कि इनइक्वालिटी अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में और प्लेन डिस्ट्रिक्ट में इनइक्वालिटी आ जाती है, या इनइक्वालिटी अमंग द ब्लॉक्स, ब्लॉक में आपको इनइक्वालिटी मिल जाती है, इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटी मिल सकती है। तो ये इसकी बात करता है, तो उसको एड्रेस करता है। और ऐसे ही आपका गोल नंबर 9 जो है वो आपका इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री के सारे MSMEs हैं जो आप सड़क बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अच्छा वो सारी की सारी बातें गोल नंबर 9 में, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें इसमें करता है। और ऐसे ही गोल नंबर 11 जो 10 जो है, गोल नंबर 10 भी आपका इनइक्वालिटी को ही एड्रेस करता है। और वो गोल नंबर 8 में तो ग्रोथ की बात करता है, बेसिकली ग्रोथ के इकोनॉमिक की उसकी बात करता है। गोल नंबर जो 10 है वो इनइक्वालिटी को, सभी तरीके की इनइक्वालिटी को देखता है। वहां पे ग्रोथ को देखता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी को देखता है, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी, किसी भी तरह की। 11 की गोल नंबर 10 उसको करता है। और गोल नंबर 11 जो है वो आपका सिटीज को देखता है। तो वो कहता है कि आपकी सस्टेनेबल कम्युनिटीज, उसमें शब्द एक है सस्टेनेबल कम्युनिटीज। तो कम्युनिटी जो भी हो, जैसे आपने सिटीज की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अर्बन एरियाज में स्लम्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी। कम्युनिटीज के सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, उनके लिए हाउसिंग की बात करता है, उनकी हेल्थ की बात करता है, उनके वाटर सैनिटेशन की बात करता है। तो अपने आप में सिटीज को पूरा का पूरा गोल नंबर सस्टेनेबल सिटी, हाँ 11 को करता है। और गोल नंबर 12 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें पहली बार उन्होंने प्रोडक्शन और कंजम्पशन की सस्टेनेबिलिटी की बात कही है। व्हाटएवर यू आर प्रोड्यूसिंग इट शुड बी सस्टेनेबल प्रोडक्शन, और सस्टेनेबल कंजम्पशन, ऐसा ना हो कि मतलब आपने इतना ज्यादा दे दिया है और कंज्यूम ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसा ना हो। तो वो सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करता है। तो रिसोर्सेज को कैसे आप सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें और कैसे कंज्यूम करें, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, व्हाटएवर, जितने भी सेक्टर्स आपके इकोनॉमी के अंदर आते हैं उनकी बात, यानी ओवर या अंडर, ना प्रोडक्शन हो ना कंजम्पशन हो, तो सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को उसने पूरा एड्रेस किया है। वो पहली बार मतलब इस लेवल का थिंकिंग की गई है कि साहब हमें उसको भी देखना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि हम बहुत ही प्रोड्यूस भी पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक वे से कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि साहब आप ऐसा प्रोड्यूस करें जो सस्टेनेबल हो, और उसको देखने की बात कही है। और गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज को देखता है। आपको पता ही है बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज की, हम जब बातें करते हैं हाँ वो बड़ा इशू है। और गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। मतलब जितना भी आपका मैरीन एरिया है, समुद्री एरिया है, नदियां हैं, मछली है, एक्वा, जितनी भी आपके एक्वा फीचर्स हैं, ग्राउंड वाटर, हाँ वो उसकी बात करता है। स्पेशली जो मैरीन एरिया जो आपके हैं उनकी बातें गोल नंबर जो 14 है वो उसकी बात करता है, 14 उसकी बात करता है। और 15 जो है वो लाइफ अबव, लाइफ ऑन द लैंड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अच्छा, पानी नीचे भी हो गई, हाँ पहले नीचे हो गया गोल नंबर 14, उसने कहा लाइफ बिलो द वाटर उसकी बात करें। और 15 जो है वो कहता है पूरा का पूरा पूरे एनवायरनमेंट को देखेंगे, स्पेशली फॉरेस्ट्री सेक्टर, तो वो गोल नंबर 15 जो है उसकी बात करता है।
तो आप देखेंगे आप गोल नंबर 16, गोल नंबर पहली बार गोल नंबर 60 जो दिया गया है वो पीस जस्टिस की बातें कर रहा है। तो ये जनरल बातें होती थी लेकिन यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ये कह दिया है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो हमारे न्यायपालिका की व्यवस्थाएं हैं, उनमें किस तरीके की स्थितियाँ हैं। तो पीस जस्टिस को जो है गोल नंबर 16 देखता है, और गोल नंबर 17 जो है वो ओवरऑल पार्टनरशिप को देखता है, जिसमें आप देखते हैं कि आपका डेटा सिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है, आपका जो आपका कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस है वो कैसे हो रहा है, नेटवर्किंग सिस्टम आपका क्या है, कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छूटा जो इस पूरे एसडीजीज के अंदर नहीं आया, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब भी है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक डिपार्टमेंट ने कहा मुझे ये काम करना तो मेरा काम खत्म। अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो उसमें रूरल डेवलपमेंट भी आता है, तो अर्बन डेवलपमेंट भी आता है, तो एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के इश्यूज को एड्रेस करता है, तो फिशरीज भी कहीं ना कहीं एड्रेस करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मदद अगर वो करता है गरीब के लिए तो पॉवर्टी को देता है। तो ये बड़ा इससे कहेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो पूरे एसडीजीज जो है वो ये साइलोस में नहीं है, ये यूनिवर्सलिटी है इसमें और इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेट जो है वो बड़ा एक इंटीग्रेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस पूरे एसडीजीज के अंदर है। तो आपने ये 17 गोल्स, अब इन गोल्स के जो है सबके टारगेट्स दिए गए, सब गोल्स ये पॉवर्टी, अब ये इंटीग्रेटेड वेब है जो जुड़े हुए हैं, तो उसके टारगेट्स, आप उसके टारगेट्स हैं जिसे सब गोल कहते हैं। बिल्कुल, तो वो लगभग 169 जो है वो सब गोल है, 169 सब गोल है। जैसे पॉवर्टी अगर हम गोल नंबर 1 को लेते हैं तो गोल नंबर 1 के 5-6 सब गोल दे रखे हैं। से उन्होंने कहा कि साहब पॉवर्टी रेशियो आपका क्या है और आपका या ये तो फिर इंडिकेटर्स आ गए। उन्होंने कहा कि साहब आपको गरीबी पॉवर्टी जो है 2030 तक खत्म कर देनी है, इतने डॉलर के हिसाब से आपका उसको मिनिमम जो आपका इनकम होनी चाहिए वो इतने डॉलर होनी चाहिए, इस तरीके से बात कही। दूसरा सब गोल उन्होंने दिया कि साहब आप होमलेस लोगों को आपको मकान उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा सब गोल उन्होंने दे दिया सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो जितनी आपकी पेंशन्स आती हैं, जो आप अटल आयुष्मान योजना टाइप की जो स्कीम्स आती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप देखेंगे उस पॉवर्टी को उन्होंने डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि वो देखिए हर एक चीज़ से रिलेट कर रखा है, तो वो भी आ जाए। वैसे गोल नंबर 2 में जब वो प्रोडक्शन की बात करता है कि डबलिंग इनकम की हम बात करते हैं फार्मर्स की, या आप डबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो गोल नंबर 2 जब हम हंगर की बात करते हैं तो हम डबल प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी को हम डबल करें और हम फार्मर्स की इनकम को डबल करें, और साथ ही साथ हम ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम के हैं उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को देखें, हम लैक्टेटिंग मदर्स के न्यूट्रिशन स्टेटस को देखें, हम एडोलसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन स्टेटस को देखें। तो ये सारी बातें उसके अंदर कही गई हैं। तो हंगर को उन्होंने एड्रेस कर दिया। तो ICDS डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, जितने भी प्राइमरी सेक्टर के डिपार्टमेंट हैं, जो भी अलाइड एक्टिविटीज जो भी करते हैं, चाहे वो डेयरी करते हो, फिशरीज करते हो, पोल्ट्री करते हो, एनिमल हस्बेंड्री करते हो, सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो उस सब के सारे सबके जो है सब गोल्स उसमें बनाए गए हैं। 17 जो हमारे गोल्स हैं उनके 169 सब गोल बने, तो हर एक इस तरीके के गोल्स बने हुए हैं, सब गोल बने। अब सब गोल तो हो गए, बिल्कुल हो गए, अब आता है कि इसको मेजर कैसे करें। बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि सब गोल दे दिया हमने, लेकिन हाउ विल मेजर इट, कैसे मेजर करेंगे, पूरी थ्योरेटिकली है हमारे पास, नाउ हाउ टू मेजर इट। बिल्कुल, आप उसको कैसे उसको मेजर करेंगे, तो ये देखिए कैसे। तो उसके लिए फिर इंडिकेटर्स बनते हैं। तो ओवरऑल जो 203 इंडिकेटर्स, 230 इंडिकेटर्स इनिशियली यूएन से जो बने थे वो लगभग इतने थे। इंडिया ने 306 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए और हर स्टेट ने अपने अपने इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे यहाँ हमारे स्टेट। अच्छा, वेरिएबिलिटी हो सकती है। हाँ, इंडिकेटर्स में हो सकती है, इंडिकेटर्स में हो सकती है, गोल सब गोल में नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन इंडिकेटर्स में जैसे मेरे यहाँ मेरे इनका इश्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो मेरे इंडिकेटर्स वो होंगे ही नहीं, या मेरे यहाँ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है ज्यादा, तो एग्रीकल्चर से कहीं ज्यादा हॉर्टिकल्चर मेरे लिए इश्यू हो सकता है, तो हॉर्टिकल्चर के इंडिकेटर्स मेरे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो मैं ज्यादा रिव्यू करूँ जो हमारे बेमौसमी सब्जी वाले जो चीजें होती हैं उनको, मैं शायद चेंज है जो कई एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो भी इश्यूज हैं। मैं मतलब सपोज मैं गोल नंबर 2 को ही लेके बात कहता हूँ, तो मेरे इंडिकेटर्स हॉर्टिकल्चर के हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा ग्रोथ ड्राइवर है। तो मेरे इंडिकेटर्स पावर में माइक्रोहाइड्रल और उसको लेकर के हो सकते हैं, क्योंकि मेरा ग्रोथ ड्राइवर है। टूरिज्म में मेरे इंडिकेटर्स
नंबर ऑफ टूरिस्ट के अलावा कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, कितने हमने बीएचएन सिंह गढ़वाली योजना में दे दिए हैं, कितने होम स्टे हमारे हैं, वो मेरे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिससे मैं मेजर कर सकता हूँ। तो जो मेरे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं अलग अलग स्टेट के, उस बेसिस पे वो इंडिकेटर्स अपने बना सकते हैं। तो लगभग हमने इनिशियल जो एक्सरसाइज करी थी अपने स्टेट में, तो जब हमने सारे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो लगभग 750 इंडिकेटर्स निकल गए। इवन आपके यूजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तो कोऑर्डिनेट करता है हर एक, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत ना हो। तो आप जिस हिसाब से आपका ई प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं, या आप एजुकेशन पर जो रिसर्च कर रहे हैं, या आप डिफरेंट तरीके की जो और भी ऐप डेवलप करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कनेक्ट तो है। हाँ, तो ये हर एसडीजी, तो यू आर ऑल्सो यू नो, आप भी एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, इस एसडीजीज के, और हर एक के साथ कहीं ना कहीं आपका एसडीजी का लिंक। लोगों को चाहिए कि वो आपकी मदद लें, चाहे आप का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का हो, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी हो, तो उनका बहुत जरूरत इसमें है, इसमें बहुत जरूरत है, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये फिर 750-760 जो हमने इंडिकेटर इनिशियली निकाले थे, फिर उसको रेशनलाइज किया तो लगभग 550 इंडिकेटर्स निकले। ओके, 550। फिर हमने कई, क्योंकि उसमें जनरली क्या होता है कि वो कुछ आउटपुट इंडिकेटर होते हैं, कुछ आउटकम इंडिकेटर होते हैं। अब आउटपुट और आउटकम क्या है, ये भी एक इशू कई लोग पूछते हैं, साहब ये क्या चीज़ है। तो जनरली आप जानते ही हैं, जैसे आपको कोई बजट मिलता है, बजट के पास आपको कहा जाता है कि साहब आपको इतने नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस करानी है, तो दैट इज योर आउटपुट, कि आपको 1,00,000 रुपए मिला, आपने 10 कॉन्फ्रेंस करा दी, तो आपका आउटपुट हो गया। बट उसका बेनिफिट क्या हुआ, कितने लोग उसका एक्चुअली, वो जो आपने कॉन्फ्रेंसेस कराई या जो भी उसका उसका आउटकम एक्चुअली लोगों की जानकारी में आया, लोग अवेयर हो गए उससे, उनका नॉलेज बेस बढ़ गया, इम्पैक्ट जो उसका है, इम्पैक्ट। या जैसे हम एग्रीकल्चर का एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एग्रीकल्चर में हमारी कई स्कीम्स चलती है ना, हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फार्म मशीनरी की हम बात करते हैं, हम इक्विपमेंट देते हैं, टूल्स देते हैं, हम डेमोस्ट्रेशन कराते हैं, हम डिफरेंट तरीके के हम प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं, हम वन ड्रॉप मोर क्रॉप के प्रोग्राम चलाते हैं। ये तो हमारे आउटपुट हो गए, ये बजट दिया, इतने हमने इरीगेशन के कैनल बना दी, इतने हमने इक्विपमेंट बांट दिए, इतने कुंटल हमने बीज बांट दिया, इतना हमने फर्टिलाइजर बांट दिया, ये तो हम बात करते हैं, लेकिन हुआ क्या, ये बांटने के बाद हुआ क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही महत्वपूर्ण। तो फाइनली उसका आउटकम है प्रोडक्टिविटी, इतना करने के बाद अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी तो दिस इज द आउटकम। यस, तो अगर हमें ये सब करने के बाद, अगर मेरी 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल की प्रोडक्टिविटी है से उदाहरण के लिए, तो अब मैं क्या उसको 20 कुंटल या 15 कुंटल करने की, इन सब करने के बाद इस योग्य हो गया हूँ कि मैं उसको इतना कर सकता हूँ, तो दिस इज द आउटकम। तो इसमें ये जो इंडिकेटर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आउटपुट और आउटकम बेस्ड आउटकम इंडिकेटर्स है। तो फाइनली जब ये 550 के बाद, फिर हमने कई इंडिकेटर्स पर, क्योंकि मैंने बताया ना लोकलाइजिंग एसडीजीज की बात की, तो जब हम लोकल लेवल पर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हमें की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बिल्कुल फर्क मिलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, MMR है या IMR है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं मिल पाता है, मेटरनल मॉर्टिटी रेट अगर हम कहते हैं अपना हेल्थ में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका एस्टीमेट नहीं निकल पाता है। तो वो तो हो गया आउटकम इंडिकेटर MMR, जितनी हमने व्यवस्थाएं करी हेल्थ के अंदर, तो MMR और IMR हमारे मेजर इंडिकेटर्स निकल के आते हैं, या न्यूनेटल रेट जो है हमारा वो निकल के आता है, न्यूनेटल मॉर्टिटी रेट निकल के आता है, परंतु स्टेट लेवल पर पता चल पाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए फिर उसके प्रॉक्सी इंडिकेटर्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि MMR आपका कब कम होगा, जब आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैक्सिमम होगी, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप मैक्सिमम होंगे, पोस्टनेटल केयर मैक्सिमम होगी, न्यूट्रिशन के जो आपके मेजर जो जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रॉपर चल रहे होंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका MMR कम होगा। अच्छा, तो ये इतने इंट्रिकेटली ये वोवन है ना, जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, सारे सब चीजें, मैंने वही कहा बहुत ही सुंदर है, कोई मतलब इसको आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करने की जरूरत है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब हम देखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पे मॉनिटरिंग MMR की नहीं हो पाएगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की मॉनिटरिंग हो जाएगी, ANCs की मॉनिटरिंग हो जाएगी कि एंटीनेटल केयर्स भाई इतनी हुई है हमारी, इतनी प्रेग्नेंट वुमेन ने अपने को रजिस्टर किया, और फोर ट्रेमेस्टर होते हैं, तो 3 ट्रेमेस्टर या 4 ट्रेमेस्टर में इतनी महिलाएं आए, तो देन वी कैन ट्रैक, तो वो हमारी मॉनिटरिंग होगी, तो उससे हम लगा देंगे कि हाँ हम सही लाइन पर चल रहे हैं, इसका मतलब हमारे आने वाले टाइम पे MMR कम हो जाएगा। MMR को हम इमीडिएट नहीं मेजर कर सकते, किसी सर्वे से ही मेजर कर पाएंगे, तो इसलिए ये आप देखेंगे तो इसमें आउटकम और आउटपुट इंडिकेटर्स जो है वो बनाए गए हैं। तो एक मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स हो गए,
और एक ओवरऑल एक आउटकम इंडिकेटर्स होगा। आउटकम आपको एक साल में, दो साल में, तीन साल में भी मिल सकता है, इम्पैक्ट आएगा। हाँ, आपने कॉन्फ्रेंसेस कराई, आप लगातार कराएंगे, जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए, कुछ समय बाद उसका इम्पैक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी धीरे 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 धीरे, दो साल में दिखेगा, साल भर में दिखेगा, तीन साल में दिखेगा, वो इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आउटपुट इमीडिएट दिखेगा। आउटपुट तो आपने करा दिया, काम खत्म, तो दैट इज आउटपुट। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके की व्यवस्था इसके अंदर करी है, जिससे कि इसको मॉनिटरिंग, इसको मॉनिटरिंग भी इसकी की जा सके। तो ये इस तरीके का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बातें कही गई हैं, अलग अलग 2020 तक हमें क्या करना है, 2022 तक क्या करना है, 2024 तक हमें क्या करना है, और फाइनली 2030 तक हमें क्या करना है। तो ये पूरे के पूरे गोल्स आपके 2030 तक पूरे होंगे। और अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो आपको आपके संज्ञान में होगा, हमने लगभग 2018 दिसंबर में हमने इसका पूरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजन डॉक्यूमेंट को इसका रिलीज किया गया था, और बड़ा हमारी वेबसाइट पे वो विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस विजन डॉक्यूमेंट को हमने चार पार्ट में बांटा है, जैसे 17 गोल जो है, उन 17 गोल्स को हमने चार मेजर थीम में बांट दिया। थीम हमारी क्या है, थीमेटिक एरिया हो गई। एक है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट थीम, एक है हमारी एनवायरमेंट की थीम, एक हमारी सोशल डेवलपमेंट की थीम, एक है लाइवलीहुड की थीम। ठीक हो, तो इकोनॉमिक वाला पोर्शन आपका लाइवलीहुड वाला सारा कवर कर लेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल वाला ये हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी को कर देगा, और एनवायरमेंट अपने आप में ये आ गया। तो चार थीम में हमने इनको बांटा कि साहब इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में जो है हमारे एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, और वेलनेस की बात हम करेंगे, जो ये बिगर सेट्स हो गए, ये बिगर सेट उसके हमने इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये किया। तो अब इसके बेसिस पे हर डिपार्टमेंट अपने प्लान बनाएगा, एक्शन प्लान बनाएगा कि कैसे हम इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। उसके एनुअल प्लान होंगे, उसके 3 ईयर प्लान होंगे, उसके 7 ईयर प्लान होंगे, और वो स्ट्रेटेजिक प्लान। एक तो प्लान बन गए आपके, आप ऐसे ऐसे करेंगे, बट व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी, कैसे करेंगे उसको, व्हाट वुड बी द टाइमलाइंस। तो वो टाइमलाइंस और स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट। तो वो टाइमलाइंस और स्ट्रेटेजिक प्लान के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये काम ज़्यादातर डिपार्टमेंट ने इसमें अभी इनिशियली जो है, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे पंचायत लेवल, इवन ब्लॉक प्रमुख वगैरह में ग्राम पंचायत विभाग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, पंचायत डिपार्टमेंट का। तो पंचायत डिपार्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो GPDP, जो GPDP बनते हैं हमारे, वो उन्हीं से ग्रास रूट लेवल से आना है। तो वो भी अगर इसको SDGs को अलाइन करेंगे अपने उसके साथ, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ों की जानकारी नीचे तक पहुँचेगी और लोग उस लाइन पर सोचना शुरू कर देंगे, मेजर करना शुरू कर देंगे। काम तो अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल काम तो आज भी कर रहे हैं, परंतु उसका मेजरमेंट उस तरीके से नहीं है, फोकस्ड वे में मेजरमेंट नहीं है, और हमें पता नहीं चल पाता है कि फाइनली हुआ क्या। तो यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं। तो ये चार थीम पे हमने इस पूरी चीज को किया, फिर इसका एक पूरा एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप किया है। तो कैसे हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे डेटा आएगा, और फिर साथ ही साथ कंकरेंट इवैल्यूएशन, नॉट ओनली डेटा, तो साथ ही साथ उसका कंकरेंट इवैल्यूएशन होता रहेगा कि साहब ये जो बातें बता रहे हैं इनमें से वास्तविक स्थिति क्या है, तो उसको भी देखने की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। जो मैंने बताया आपको गोल नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने राज्य की बात करें तो हमने कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग मॉडल C2N डबल दो सी कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नेटवर्किंग। तो जब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, बस दो सी हो गए, एक एन हो गया, तो इसको हम C2N मॉडल भी हमने नाम दिया है इसको। तो C2N मॉडल इज द ओनली मॉडल by which we can achieve these targets, ऐसा हमें लगता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पैसा दे देंगे तो हम कर देंगे, विदाउट कन्वर्जेंस यू कैन नॉट डू। जब तक सपोज आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, यूजर का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको शायद बहुत कम पैसा गवर्नमेंट से जो भी मिलता होगा, कन्वर्जेंस आपको भी करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग के साथ कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर के साथ कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। तो एक जैसे मनरेगा को हम अक्सर लेते हैं, तो हम मैप की बात करते हैं, मेडिकल मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो होते हैं हमारे, तो उसमें मनरेगा को साथ हमने कन्वर्जेंस किया, डबटेल किया कि कुछ पैसा हमें यहाँ से लगाएंगे, कुछ मनरेगा से हम लेबर कंपोनेंट लगाएंगे। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट को आपस में कन्वर्जेंस की बात करनी पड़ेगी कि मेरे पास मेरा रिसोर्स तो बड़ा लिमिटेड है, मेरा रिसोर्स स्टेट सेक्टर के अंदर है या डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के अंदर है या CSS के अंदर है, लेकिन ग्राम पंचायत में भी कोई ना कोई रिसोर्स है, तो हम उसको कन्वर्ज करें अपनी स्कीम के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कोऑर्डिनेशन, वो सबसे बिना उसके काम नहीं हो सकता है। अगर हम साइलोज में ही काम करेंगे तो वी कैन नॉट अचीव आवर टारगेट्स, तो फिर नहीं कर सकते। तीसरा नेटवर्किंग बड़ा अहम मुद्दा है।
तो जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्किंग विद द एकेडमिया, विद द रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक योर इंस्टीट्यूशन और समथिंग, इनके साथ नेटवर्किंग, जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ नेटवर्किंग, जो हमारे एनजीओज हैं बड़े अच्छे उनके साथ हमें नेटवर्किंग करनी है, जो हमारे फाउंडेशन होते हैं बहुत अच्छे, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, यूएसएड हो गया, जायका हो गया, इस तरीके की कई एजेंसीज हैं हमारे पास, कुछ हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी नेटवर्किंग स्पेशली हम एकेडमिया को हम स्पेशली इसमें लाना चाहते हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं स्पेशली, जो हमारा सेंटर है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर बनाया है, तो हमारे जितने भी यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूशन हमारे हैं तो वो सब उसके जो 6-7 हमने भी आइडेंटिफाई किए हैं वो उसके पार्टनर उसके वो बने हुए हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि बीच बीच में हमें अपने इंटरेक्ट करके हमें बताते रहेंगे साहब आपको इस लाइन पर चलना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे ओवरऑल प्लानिंग के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल नंबर 17 ऐसे ही कवर होता है। तो इसलिए हमें कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन नेटवर्किंग मॉडल पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके बड़े लिमिटेड है, पैसा आपके पास इतना ही है, तो उसको कैसे आप कन्वर्ज करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस एसडीजीज के अंदर जो अभी हमें लगता है आज का जो सिनेरियो देखते हैं, आज हम कोविड के दौर में आज इसको हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा हमें नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। विशेष रूप से आपका इंस्टीट्यूशन इसका बहुत बड़ा रोल होता है जो मुझे महसूस होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हमने हालांकि उस विजन डॉक्यूमेंट में इस बात को कहा है और एसडीजीज में भी ऑलरेडी गोल नंबर जो 16 है वहाँ पर टेक्नोलॉजी की आईटी की और जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी की बातें कही गई है, हमने अपने वहाँ खुद ली है, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए अब नाउ इट इज़ द राइट टाइम। तो जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, मॉनिटरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तो कहीं ना कहीं हम उसको लैब करते हैं और टेक्नोलॉजी से अच्छी मॉनिटरिंग मेरे ख्याल से कहीं हो नहीं सकती, चाहे आप वो जीरो बेस्ड करें आपसे अच्छा और कोई ज्यादा या नहीं, चाहे वो हम आईटी बेस्ड करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम करें तो उससे अच्छा मुद्दा कोई हमारे लिए हो नहीं सकता। तो ये इस वक्त आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जो हम इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो पहली चीज़ आ गई, हमने प्लानिंग कर ली, एक्शन प्लान बना दिया, दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान की मैं बात कर रहा था कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है विद टाइमलाइंस के हिसाब से स्ट्रेटजीज बहुत जरूरी है। इवन लोकल लेवल, नॉट ओनली स्टेट लेवल की बात तो हम कर ही रहे, वो तो हमने विजन में भी कह दी, लेकिन लोकल लेवल पर जो हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम करेंगे, वो हमें पूरे उसके आउटकम्स क्या आएंगे, टाइमलाइंस क्या होंगी, स्ट्रेटजिक प्लान क्या होंगे। और स्ट्रेटजिक प्लान की जब बात हम करते हैं तो उसमें सीटवेयर मॉडल आ जाता है, मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि मैंने पैसा दिया और वर्क कर दिया, मैंने किससे बात करी, मैंने कहाँ कन्वर्ज किया, क्या मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूँ तो क्या मैंने आपकी भी मदद लेने की कोशिश करी, क्या मैंने इस लेवल पर सोचा कि मैं अपनी बातों को कैसे पहुँचाऊँगा इस कोविड के पीरियड में, तो यू आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन आई थिंक सो आज की डेट में जो मुझे नज़र आता है, तो ऐसे हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सीटवेयर मॉडल की हम बात करते हैं, और फाइनली मॉनिटरिंग और कंकरेंट इवैल्यूएशन, तो मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी को लेकर आना है। तो ये सब पूरे सिनेरियो को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो 17 गोल्स हैं, और क्योंकि स्टेट में जो अभी तक का माहौल बना है जिस तरीके से हमने लगातार इसमें वर्कशॉप करी हैं, सेमिनार करी हैं, एचओडीज लेवल पे जो डायरेक्ट काम करते हैं लोग, स्पेशली स्टेट लेवल पे उनके साथ जो हम इंटरेक्ट करके इंडिकेटर्स फाइनल किए हैं, लोगों की जो समझ इसमें हुई है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। परंतु आज की डेट में मैं फिर दोबारा से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है ये कार्यक्रम इन स्टूडेंट तक भी जाए और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उन तक भी ये जाए, ग्राम पंचायतों में भी जो लोग हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जाता है। तो स्टूडेंट्स का रोल ये है, हमने कुछ पायलट, कुछ लोग, कुछ एनजीओज हैं, जैसे मासी में एक एनजीओ है वो स्कूल वाले का काम करते हैं, वो चलाते हैं, उन्होंने वॉलंटरी कुछ काम किया तो बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट, उसके कुछ वीडियोज वगैरह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बच्चों ने उसको पढ़ा, सर्च करा, पूरा एसडीजीज को समझा और उसके बाद उनके डिबेट शुरू हुए, तो बच्चे अपने आप में अवेयर हुए कि नहीं हमें कूड़े को गंदगी नहीं फैलानी है, कूड़ा उठा के रखना है, या हमें एनवायरनमेंट को ठीक ठाक रखना है, उसमें नदी या नाले में कूड़ा नहीं डालना है, समथिंग लाइक दैट, वो अपने आप ही में उस चीज़ को करने लगे या साफ सफाई की बात करने लगे। तो वो इस तरीके के प्रोग्राम बच्चों के जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और उनके लिए ये आगे कोर्स में भी, बल्कि मैं तो आपसे अनुरोध भी करूँगा कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने कर भी दिया,
मेरी बात हुई थी जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अल्मोड़ा में बता रहे थे कि उन्होंने अपने उसमें ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर डाल दिया उसका कि एसडीजीज जो है उस पर क्वेश्चन पेपर भी आएगा। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और कोर्स में भी एसडीजीज क्या है, गोल्स इसके क्या है, क्या इसका ओवरऑल विजन है, क्या इसकी थीम है, तो ये भी बच्चों को की जानकारी में होना चाहिए। क्योंकि 2000 आज का जो बच्चा है वो 2030 में युवा हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर वो सोच के उस चीज़ को करेगा तो मेरे ख्याल से 2030 तक वो बच्चा जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि स्पेशली जो कॉलेजेस में जो प्रोग्राम चलेगा, मेरा सभी बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट होगा कि वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को नेट के थ्रू देखें, हमारे विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें और साथ ही साथ और कोई उनको इस तरीके का मटेरियल मिलता है उसको देखें और उसको लोकल लेवल पर हम कैसे कर सकते हैं वो जरूर सोचें, और विशेष रूप से एनवायरनमेंट के इश्यूज को और लोकल लेवल का जो इकोनॉमिक के जो इशू लाइवलीहुड के इश्यूज होते हैं उनको जरूर देखें। तो ये अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आज की जो बातें हमारी हो रही है मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक नीचे तक हो सके, मैं समझता हूँ ये काफ़ी होगा। मैं आपसे क्योंकि डॉक्टर पंत ने SDG के 17 गोल्स के बारे में बताया, 169 जितने जो सब हमारे टारगेट्स हैं सब गोल्स के बारे में बताया, इंडिकेटर्स के बारे में बताया और किस तरह से यहाँ की हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से उसको लिमिट किया गया है उसके बारे में बताया, करीब 450 के आसपास जो आपने बताया ये बताया, और पूरी इतनी सुंदर चर्चा और सारी चीज़ें आपने इतनी क्लियर की हैं, इतने अच्छे तरह से आपने इस पे पूरा का पूरा व्याख्यान दिया, बहुत ही सुंदर। और सबसे मज़ेदार जो इसमें रहा है, देखिए जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है जैसा आपने कहा और तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, और नेटवर्किंग की आवश्यकता है, और तीसरा सी भी बहुत इम्पोर्टेंट था जो कन्वर्जेंस का था तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपने ये वाला कहा कि टेक्नोलॉजी का रोल मैं इसलिए आपसे वो करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मिलेनियम गोल्स में जिस तरह से था टॉप डाउन था और इसमें ये अप्रोच शिफ्ट हुआ, बॉटम अप हुआ, और जो सबसे छोटी यूनिट बनी वो ग्राम की बनी और उस व्यक्ति की बनी जो सबसे सबसे अंतिम व्यक्ति है, और बॉटम अप अप्रोच है वहाँ से ऊपर को आपके पास आ रहा है। तो आपको ये भी अच्छी बात है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ में हम लोगों ने कोशिश की है कि गाँव तक हम लोग पहुँचे हैं, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे मोबाइल गवर्नेंस हम लोगों ने शुरू करी है, बेसिकली ई गवर्नेंस की बात थी, हम मोबाइल गवर्नेंस पे हम लोग आए और कोशिश की कि सबसे जो ताकतवर इस समय हमारे पास है उसका यंत्र का इस्तेमाल किया जाए। तो वो भी है, हम लोग आपके साथ इस वाली जो पूरा का पूरा है इस चर्चा के अलावा भी कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसमें हम लोग हैं, और बड़ी संख्या में क्योंकि आपको आप लोगों पे इस पे पहुंचेंगे, छात्रों पे पहुंचेंगे, इस तरह का जो करिकुलम वाली बात है SDG पे करिकुलम की, हम लोग इसी तरह का कंटेंट को तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के माध्यम हैं जो पोर्टल्स हैं इसमें तो रहेगा ही, जो चैनल्स हैं हमारे पास उसमें तो रहेगा ही, साथ में करिकुलम में शायद हम एक कैप्सूल की तरह से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक विकसित करते हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, जैसा आपने कहा कि लोगों के लिए किस तरह से और जुड़े हुए हैं पूरे के पूरे, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब बट एट द सेम टाइम वेरी सिंपल वन विच इज वेरी क्लोज टू देयर लाइफ। हम लोग उसको करते ही हैं, बस हम उसको फोकस वे में देख नहीं पाते हैं, कर तो रहे हैं हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, पर हम उसको उस हिसाब से ना मेजर कर पाते हैं, ना उस हिसाब से मॉडल कर पाते हैं, ना उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना पाते हैं। बिल्कुल आपने बहुत सुंदर कहा, और मॉनिटरिंग के लिए भी क्योंकि हमारे वहाँ डिजिटल वॉलंटियर्स, हम लोगों ने इसको शुरू किया था कार्यक्रम को, आशय इसका ये था कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से, स्कूल से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये पता चले कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम आम जन की मदद कर सकते हैं तो ये अपने आप में बड़ा भारी कार्यक्रम है और ये बहुत बड़ी संख्या है। ये आपके वॉलंटियर्स के रूप में जो हमारे SDG गोल्स हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कर तो वो वही रहे, शिक्षा भी वही है, पानी भी वही है, सैनिटेशन भी वही है, इन्वायरमेंट भी वही है, क्लाइमेट चेंज भी वही है, कंजम्पशन भी वही है, प्रोडक्शन भी है, हेल्थ केयर भी है। तो आप इसमें क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है इसको आप क्योंकि अभी इसका भी हम इम्पैक्ट देखेंगे, और आपने बहुत सुंदर बताया
कि आउटपुट भी है और आउटकम भी है, तो इसका आउटकम आएगा ये वाला जो कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे जो बहुत आवश्यक होगा। अंतिम अगर आप कोई आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोविड कोविड ने दुनिया में और पूरा का पूरा हमारा आचार व्यवहार बातचीत ये वो रहना, अभी भी हमने डिस्टेंसिंग की हुई है और तमाम सारी चीज जितनी है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम क्योंकि SDG और कोविड बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा एंड पोस्ट कोविड बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप इसके बारे में करके और कुछ बच्चों को मैसेज देके बातचीत को समाप्त करें। जैसा मैंने लास्ट में कहा भी था कि आज के सिनेरियो में, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो बिना कोविड की बात किए हम रह नहीं सकते और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपको हमें बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे वर्किंग का जो हमारा स्टाइल है वो हमें बदलना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना पड़ेगा। तो अभी हमने क्योंकि बोल रहे हैं इस वजह से हमने मास्क पहना हुआ था उससे पहले, तो वो हमें देखना पड़ेगा, तो क्योंकि प्रिकॉशन हमें ही बरतने पड़ेंगे। अच्छा काम वही है, काम तो सब चलेंगे, लाइवलीहुड के काम, गाँव में आदमी खेती भी करेगा, अपना पशुपालन भी करेगा, डेयरी भी करेगा, काम तो रहेंगे वही सारे रहेंगे, परंतु इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें विशेष रूप से स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब आज की डेट में आपने देखा होगा मार्केटिंग भी अब ई मार्केटिंग की बात आएगी, हम शायद वेंडर जो है वो एज सच लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने उसमें, स्पेशली मैं बच्चों को बताऊंगा या जो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो इसको देख रहे हैं, जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से भी ये बहुत अच्छा होगा। अब हमें वैल्यू चेन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमारे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं तो वैल्यू चेन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम उसको कैसे उसका वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, लोकल लेवल पर हम उसको छोटे छोटे रूप में कैसे उसको बना पाएंगे। अब तो हमारा ग्रोथ सेंटर का कंसेप्ट भी आ गया, तो अगर ब्लॉक लेवल पर ग्रोथ सेंटर बना है तो डिफरेंट फेडरेशन कैसे उन चीज़ों को लेके आ सकती हैं। वॉल्यूम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि अभी तक तो हम कुछ लेकर के मार्केट में जाकर के शायद उसको बेच देते थे या नहीं भी बेच पाते थे, तो लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब तक आपका नहीं होगा, जब तक आपका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हमें जो हमारे, मैंने बताया था कि ग्रोथ ड्राइवर टूरिज्म हमारा ग्रोथ ड्राइवर है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हमारा ग्रोथ ड्राइवर है, आयुष आयुष को हम मिस कर रहे हैं, जो आज की डेट में कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, क्वारंटाइन टूरिज्म भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से, तो एक क्वारंटाइन टूरिज्म जो है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी भी है इस वक्त हमारे लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए, कि हम कम से कम अपनी टूरिज्म एक्टिविटीज को ऐसा लेके आए कि लोग हमें सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन समझते हुए हमारे यहाँ आए। तो हमें इसलिए कोविड की जो भी हमारे जनरल गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार उसको सफाई करना, और मास्क को, इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को हमारे इस तरीके की ट्रेनिंग, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर या आपके जानने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे उनको भी ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि उनके पास मास्क रहें, वो जब कोई टूरिस्ट आता है और सैनिटाइजर रहे और उसको साफ करे और एक मास्क खोल करके दे दे, तो आप देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो वो सब इम्पैक्ट हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगी। और वैसे ही अगर हम टूरिज्म होम स्टे की बात करें तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आज के कोविड के सिनेरियो में, क्योंकि लोगों में डर की बात नहीं है, लोग की अब आदत में वो आ जाएगा, स्वाभाविक है, हमें से प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं आती हैं, कोई इस तरह का हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक हमें इस चीज़ को देखना ही पड़ेगा। और हमें स्वाभाविक रूप से उसी तरीके से उसी प्रोटोकॉल में अपने काम को करना पड़ेगा। तो ये प्रोटोकॉल को बनाते हुए स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर अगर कोई देख रहे हो, जो स्टार्टअप, मैं फिर से कहूँगा, जो बच्चे स्पेशली जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको इस लाइन पर अपने उसको सोचना पड़ेगा कि अपना जो भी आगे आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी आप उद्यम लगाना चाहते हो, आप किसी नौकरी को करना चाहते हो, तो आपको इस लाइन पर सोचते हुए बात करनी पड़ेगी। और दूसरा विषय टेक्नोलॉजी, जिसकी आपने बात करी भी थी, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सबसे पहले तो आप हम सभी सरकारी विभागों के लिए और लोगों के लिए ये जरूर चला दें कि कैसे साइबर इकोसिस्टम जो हमारा है वो किस तरीके से उसके डूज एंड डोंट्स हमें पता चले, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग IT को कैसे प्रैक्टिस में लेके आए। जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लाते हैं, केवल वही जो थोड़ा डेटा पे काम करते हैं वही उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आपके लिए भी, इवन जो कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, जो जिला जो स्कूल का प्रशासन है, वो भी अगर इसको देखे,
ऐसी चीजों को हमें थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा कि हम आईटी टेक्नोलॉजी को, चाहे वो आईटी हो, जीआईएस हो, एआई हो, व्हाटएवर, इन टेक्नोलॉजीज को कैसे अपने रोजमर्रा की उसमें ला सकते हैं। साइबर एप्रिसिएशन, डिजिटल इकोसिस्टम, इसका एप्रिसिएशन बहुत आवश्यक हो गया, ये जीवन का हिस्सा, जीवन का हिस्सा हो गया। डेटा साइंस, डेटा साइंस में जैसे आजकल मैक्सिमम देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, चाहे हम उसको डेवलप करें, चाहे हम उसको यूज करें, और हमारे पास तो अच्छा स्कोप है यहाँ। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, आप जैसे लोग यहाँ हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अमेरिका से इन्वेस्टर्स भी आना चाहेंगे यहाँ पे, बच्चे भी हमारे काफ़ी अच्छा समझते हैं, अवेयरनेस अच्छी है, बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी कुछ इस तरीके के काम करें। तो ये एक अच्छा फील्ड मुझे नज़र आता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ स्कोप भी है। मतलब अगर सपोज मेरे को ही कोई एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई रिपोर्ट बनवानी है और एक डेटा का एनालिसिस करना है, तो मुझे बड़ा दिक्कत लगा है, तो क्यों ना ये बच्चे कर ले मेरा, क्यों ना वो इस लाइन पर सोचे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, इस लाइन पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के, इस बैकग्राउंड के बच्चे अगर हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो खैर है ही है, कंप्यूटर साइंस तो मेजर है ही है उसमें, तो वो इस लाइन पर सोच सकते हैं, उनके लिए एक नया स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक आगे नज़र आ रहा है, एक अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है, जिसपे बच्चों को इसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है, और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा स्कोप मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू, चलिए बहुत आपका धन्यवाद। और आपने SDG के साथ में तो जो COVID-19 और पोस्ट कोविड सिनेरियो के बारे में भी आपने चर्चा की है, और ये भी कहा है कि हमको उसके साथ ही रहना भी है, तो कई हमको आचार व्यवहार और चीज़ें सीखनी भी होंगी। आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताई, ये बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।